Hello everyone, welcome to my channel's VS Education's Hub. In this video, I am here to discuss important GK questions upon discussions karenge. My dear aspirants, aaj apni 8th class hai, right? Total 7 class complete ho chuki hai. Aap isko dekh lijiyega. Exam point of view important questions hai. Banking ho gaya, SSC CHSLs ke exams ho gaye, right? RBI assistant ya SBI clerk mains koi bhi exams ho. Ab GK prepare kar rahe hain to प्लीज़ यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओके तो ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो कोई भी क्वेश्चंस में आपको लगे ये डाउट्स है नहीं समझ में आ रहा रॉन्ग आंसर्स बताया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा बाकी मेरी तरफ से फुल एफर्ट्स रहेगा आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने पे जो डिटो एग्जाम्स में आने लायक हैं ओके तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा कोई भी क्वारी हो तो पूछ लीजिएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट टाइम वेस्टिंग्स एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लें देन वीडियो को शेयर कर दें देन वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो ओके ये स्टार्ट करते हैं वन बाई वन मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू सब्सक्राइबर है मेरे देखिए अपन बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल्स इंपॉर्टेंट जो कल का क्वेश्चंस होमवर्क मैंने दिया था होमवर्क उसका डिस्कशंस राइट क्या आंसर्स हैं सेकंड अपन बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है जो मैं रेगुलर वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ जो रेगुलर दिखते हैं उनको मालूम होगा नेक्स्ट अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स टॉप 10 के क्वेश्चंस राइट टॉप 10 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं विथ एक्सप्लेनेशंस और क्या इसमें और क्वेश्चंस बन सकते हैं वह भी अपन डिस्कशंस करेंगे ओके और लास्ट एंड फाइनल फोर्थ पार्ट में रहेगा आपका एक क्वेश्चंस होमवर्क में ओके तो ये पूरा फोर पार्ट्स में रहेगा आइए चलते हैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन से कल मैंने पूछा था नेम द इंडियन स्टेट विच इज गोइंग टू बिल्ड 33 न्यू स्टेडियम्स अक्रॉस द स्टेट अंडर द उत्तरायण स्कीम्स एक योजना है उत्तरायण स्कीम्स जिसको आप कह सकते हैं राइट उसके बेसिस पे 33 नए राइट 33 फिगर्स याद रखिएगा एग्जाम्स में स्टेडियम भी आपको पूछ सकता है ओके तो 33 नए स्टेडियम्स जो बनाने जा रहा है वह कौन सा स्टेट है तो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप आपने आंसर सही दिया होगा दैट इज द असम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके असम इसका करेक्ट आंसर है ओके असम की कैपिटल्स आपके दिसपुर है ओके सर्वानंद सोनोवाल वहां के चीफ मिनिस्टर हैं सर्वानंद सोनोवाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं एंड जगदीश मुखी राइट नाम याद रखिएगा जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं इंपॉर्टेंट है प्लीज नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को दिसपुर वहाँ की कैपिटल सर्वानंद सोनोवाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स एंड जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर ओके कांजीरंगा जिसको आप रोजाना सुनते हैं बहुत ही फेमस क्वेश्चन से वह वहीं का ही पार्क है असम का ओके मूविंग ऑन चलता हूँ आज के क्वेश्चन पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल्स इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स उससे पहले अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है प्लीज़ ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स मैं वहाँ पर डिस्कशंस कर चुका हूँ प्लीज़ देख लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बुक्स है एक क्वेश्चंस तो बुक्स रिलेटेड पूछता ही है ओके देखिए आज की आपकी बुक्स हैं एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बायोग्राफी ऑफ मनोहर परिकर राइट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है बायोग्राफी है मनोहर परिकर की नाम क्या रखा है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ माय डियर फ्रेंड्स ये हैं आपके चीफ मिनिस्टर्स जो पहले रह चुके हैं गोवा के राइट गोवा की कैपिटल्स पणजी है राइट इंपॉर्टेंट है प्लीज़ नोट कर लीजिएगा एक तरह से बुक्स के रिलेटेड इसमें किसको लिखी है क्वेश्चंस यही बनेगा या क्वेश्चंस बन सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके ऊपर बुक्स हैं तो मनोहर परिकर पर मैं एक क्वेश्चन ये बनेगा कि किसने लिखी है तो सतगुरु पाटिल्स एंड सेकंड है इसका लेखक दो लेखक हैं राइट माया भूषण पहला लेखक है आपका सतगुरु पाटिल सेकेंड है माया भूषण नागविकनेश राइट ये इसकी लेखक है प्लीज़ अच्छे से मैं क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा बट आप नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को ओके ये एक बुक्स थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और उससे पहले भी आप बुक्स जरूर देखिएगा मैं आपको अच्छे से बता दूंगा ओके मूविंग ऑन चलता हूँ आज के क्वेश्चंस पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन फुल दी फेस्टिवल्स वॉज सेलिब्रेटेड इन अमोंग्स विच स्टेट
कौन से स्टेट, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स ननंदस, आपकी उत्तराखंड में ये त्यौहार मनाया जाता है, राइट। उत्तराखंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फूलदेई फेस्टिवल्स, क्योंकि एग्जामिनर मॉडरेट क्वेश्चन बनाता है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है वहाँ के त्यौहार के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। ओके, उत्तराखंड की कैपिटल्स देहरादून से, राइट। त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। बेबी रानी मौर्य वहाँ की गवर्नर है। ओके, उत्तराखंड अभी ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल्स बनाएगा उसका नाम होगा गेरसम, वेरी इंपॉर्टेंट। गेरसम्स वहाँ की ग्रीष्मकालीन कैपिटल्स होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आई रिपीट अगेंस्ट, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल्स होगी गेरसम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर हुआ। मूविंग ऑन चलता हूँ नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किसे टाटा पावर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको नियुक्त किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइट्स रहता है, सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। किसको टाटा पावर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, सलमान खान, राइट। सलमान खान आपकी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जो आपकी मेन रियल्स भी, जो आपके रियल्स भी फ़ोन है, राइट, जो चाइना की कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर्स आपके सलमान खान हैं। करीना कपूर खान ये आपकी ब्रांड एम्बेसडर हैं पूमा की, राइट। पूमा की जो पूमा ब्रांड होता है ना स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आते हैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। विराट कोहली को IQ स्मार्टफोन, राइट, IQ स्मार्टफोन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शार्दुल ठाकुर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। इसके टाटा पावर ब्रांड का एम्बेसडर किसे बनाया है? शार्दुल ठाकुर को। एक चीज और बता देता हूँ, IDFC, राइट, IDFC फर्स्ट बैंक आपने सुना होगा, KBC में फर्स्ट बैंक, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ब्रांड एम्बेसडर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ अभी जो करंट में था, फिर भी आपके कोई दिमाग में है तो प्लीज बता दीजिएगा। थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी हैज प्रपोज्ड द क्रिएशंस ऑफ COVID-19 एमरजेंसी फंड इन सार्क रीजन्स ड्यूरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस मीट ऑफ सार्क रिप्रेजेंटेटिव, ऑल्सो इंडिया हैज ऑफर्ड, कितने डॉलर फंड दिया है? पीएम मोदी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई थी उसमें पीएम मोदी के द्वारा यानी कि भारत की तरफ से कितने मिलियंस का फंड दिया है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है टोटल्स 10 मिलियन का, राइट। 10 मिलियन का फंड भारत की तरफ से दिया गया है पूरे सार्क देशों में। सार्क में टोटल्स 8 कंट्रीज बिलोंग है, कल मैंने डिस्कशंस कर चुका हूँ, राइट। इंपॉर्टेंट है, नेपाल काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा हेडक्वार्टर में और आपकी कंट्रीज में। ओके, कल का वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने डिटेल्स में वहाँ पर एक्सप्लेनेशंस किया है सार्क के बारे में। ओके, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मार्च 2020 में नेशनल्स कंपनी लो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, राइट, इसमें जो अपरिंग नेशनल्स कंपनी लो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया? ननंदन, आपके बंसीलाल भट्ट को ये नियुक्त किया गया है NCERT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, उस भारतीय टेबल टेनिस का खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में चैलेंजर प्लस ओमान ओपन 2020 का खिताब जीता है। टेबल टेनिस, वाई देयर रेस्पॉन्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस में चैलेंजर प्लस ओमान ओपन का खिताब जीता है, तो ननंदन ये आपके हैं शरद कामल, राइट, शरद कामल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। अब आपको पूछ सकता हूँ ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो माय डियर स्टूडेंट, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विंग्स इंडिया, एक स्विट्जरलैंड के बेसिस पे मैं फैक्ट्स बता देता हूँ, विंग्स इंडिया, राइट, जो आपके समिट है, राइट, जो हैदराबाद में आयोजित होगा उसमें ये पार्टनरशिप की बेसिस पे स्विट्जरलैंड। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेम द ई कॉमर्स कंपनी विच पार्टनर विथ एजोन्स लाइफ इंश्योरेंस, राइट,
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू सेल क्विक एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी का क्वेश्चन है, उस ई कॉमर्स कंपनी का नाम बताइए जिसे त्वरित पहुंच बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए एगोन, राइट, एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग वालों के लिए, तो फ्लिपकार्ट वह कंपनी है जिसने एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डिटो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका, फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल टू इवेल्युएट वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, हैज स्टार्टेड यूएस। व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन न्यू स्ट्रेन्स ऑफ वायरस। क्या नाम, एक तरह से वायरस ने नए तनाव के लिए क्या नाम दिया है, तो दैट इज द सरस कोविड 2, राइट, ये नाम दिया गया है। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, कोरोना वायरस कोविड-19 आपको मालूम होगा, WHO ने नाम दिया है, WHO ने कोविड-19 को नाम दिया है कोरोना वायरस का। ओके, किस राज्य सरकार ने NTCAA यानी कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके दंगों, यानी कि जो वहाँ की वॉलेंट, एक तरह से कह सकते हैं जो कल डैमेज है पब्लिक प्रॉपर्टी को, रिजॉर्ट्स हैं, दंगे हैं, उसको संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए एकत्रित करने के लिए सार्वजनिक और निजी संपत्ति अध्यादेश, मैंने अभी बताया था, डिस्कशन भी कर चुका हूँ यूपी के बारे में, आर्टिकल्स भी बता चुका हूँ, तो किसकी वसूली है, दैट इज द, ये किस गवर्नमेंट ने लाया है, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको मार्क कर लें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, लखनऊ कैपिटल्स और योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एक आपका डिफेंस एक्सपो जो हुआ था अभी लखनऊ में ही हुआ था, यानी कि यूपी में ही आयोजित किया गया था। ओके, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ऑल इंग्लैंड ओपन 2020 बैडमिंटन टूर्नामेंट के 112वीं संस्करण में पहला एकल खिताब दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 112वां, माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशंस भी याद रखिएगा, ऑल इंग्लैंड ओपन का 112वां एडिशंस था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, संस्करण भी आपको पूछ सकता है अगर टफ क्वेश्चंस बनाना हो, तो दैट इज द ताई न्यू यंग, राइट, ताई जू यंग बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। महिला एकल का खिताब इसने जीता है। ओके, इन्होंने जीता है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि यह किस कंट्री के हैं, कौन से कंट्री के बिलोंग करती है। सेकेंड क्वेश्चन आपका मेरा यह रहेगा, मेल कौन जीता है, ये भी आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, हु इज द मेल, राइट, कौन मेल जीता है जो आपके इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, उसमें मेल कौन है। किस तकनीक के दिग्गज ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की है, किस कौन सी ऐसी टेक्निकल्स जो कंपनी है लॉन्च की है वेबसाइट, तो डेट इज द, ये आपकी लॉन्च की है माइक्रोसॉफ्ट ने। ओके, माइक्रोसॉफ्ट है ना एक जो ट्रैक करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस को। ओके, तो ये तो थे आपके पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा वीडियो, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, मेरा एफर्ट्स आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दें। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। एंड 11th क्वेश्चंस, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है, प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा, बताइएगा किस कंपनी के उपभोक्ता तक डिजिटल पहुँच को सक्षम करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है, किस कंपनी ने, आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। ओके, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें एंड शेयर कर दें वीडियो को, ताकि स्टूडेंट तक पहुँचे, CHSL का जिनका भी एग्ज़ाम से, प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, पूरा वीडियो देखिए, लास्ट 7th क्लासेज जरूर देखिए, बहुत हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम्स में, मेरे जो एक तरह से कह सकते हैं मैंने डिटेल्स में वहाँ पर बताया है, वो भी ज़रूर देखिए। ओके, PDF चाहिए पूरे क्वेश्चंस का, पूरे क्लासेस का, तो बता दीजिएगा, मैं PDF भी आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सारा कुछ आपको PDF में रहेगा, बट वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से ही मिल सकती है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग्स, आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस, इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, जिनका भी एग्जाम्स हैं प्लीज अच्छे से दिए, क्योंकि एग्जाम्स CHSL के जैसा कि कंटिन्यू चल रहा है उनके लिए एक तरह से बेनिफिट हो सकता है वीडियो से, तो प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। ओके?
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक।